मैं कलौंजी बना रही हूँ करेले की। उसके लिए मैं मसाला भून रही हूँ। मसाले में मैं हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, रंग वाली लाल मिर्च, थोड़ा सा तीखा पाउडर वाला मिर्च और हरा मिर्च भी उसे पीस रही हूँ, और जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी थोड़ा सा और मसाले में डाल के अच्छे से पीस ली हूँ। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे, और जब अच्छे से तेल छोड़ देगा तब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और फिर करेले को धो के रख ली हूँ। अब उसको मैं उसमें भर के फिर तेल में पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक करेले गर्म ना हो जाए। इसको छील के धो के रख लिया हूँ। अब इसको मैं बीच में से ऐसे फाड़ के उसी में भरूंगी। कल मैं बनाई थी टिफिन के लिए आलू की भुजिया और पराठा, दी हूँ टिफिन में, तो वही बचा है भुजिया। कुकर में दाल बना रहे हैं, इसमें दाल पक जाएगा फिर चावल रखेंगे। रोटी बना के रख ली हूँ। करेले का जो निकला है इसमें से निकाली हूँ, इसमें भरने के लिए वो मैं मसाले में डाल दूँगी। करेले में मैं भर ली हूँ, एक बैगन था उसमें भी भर ली हूँ, बचा था एक बैगन। अब मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी, सेकने के लिए डाल देंगे। सारे डाल के ढक के हल्की आंच पे इसको पका लेंगे। इसको प्लेट से ढक दे रहे हैं, इसको कम कर दे रहे हैं। अब इसमें धीरे धीरे पक जाएगा, ये 5 मिनट बाद खोल के देखेंगे, काफी पलट देंगे इसको। इसको हम पलट लेंगे इसको, इस तरफ से फिर गया है, इस तरफ और पलटना है, और जो मसाला बचा था मैं उसको भी इसमें डाल दूँगी। पलट के फिर 5 मिनट में ढक के पकाएंगे, अच्छे से अभी पक गया है। मैं इसको बंद कर देंगे। खाना निकाल दी हूँ देने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाय।